सो वेलकम टू वेदी फाइल एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नोन एज राइबोसोम सो राइबोसोम इज यूनिवर्सल यस दैट इज अ फीचर ऑफ बहुत प्रॉकैरोटिक एज वेल इज यू कैरोटिक सेल्स तो क्या दोनों राइबोसोम के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है प्रॉक केरोटिक राइबोसोम के अंदर एंड यू कैरोटिक राइबोसम के अंदर प्रो कैरोटिक राइबोसम दे आर सेवेंटी एयर इन यू कैरोस एटी एस टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड सो वाट डू वी मीन बाई वाट डू वी मीन by द ATS type टाइप ऑफ राइबोसोम्स इसका मतलब जब हम इन राइबोसोम्स को यू कैरोटिक राइबोसोम्स को जब सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट के अंदर सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें जो स्केल ऑब्जर्व होती है दैट इज एट एटी एट जीरो हेंस दे आर नोन एज एटी तो क्या इनकी कोई सब्यूनिट्स भी हैं येस एटी एस राइबोसोम इज मेड ऑफ टू सब्स वन इज नोन एज सिक्सटी एयर एंड सेकेंड इज नोन एज फोर्टी सो इज़ ए लार्ज

आर नॉन मेमरेउंड स्ट्रक्चर नॉन मेम्रेनस स्ट्रक्चर इनके अंदर कोई मेमब्रेन नहीं है राइबोसोम सो so, दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बने इसलिए हम इनको माइक्रो मोलिक्यूल की कैटेगरी में रखते हैं तो राइबोसोम डिस्क हुए थे आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सो जॉर्ज पैलाड एक साइंटिस्ट है वो 1953 के अंदर कुछ सेक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे थे एंड जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर की तो उनको लगा कि ये बहुत ही फाइन डॉट्स हैं और रेगुलरली अरेंज हैं इन द साइटोप्लाज्म दैट मींस इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा है तो उनको ये लग गया कि यस ये डेफिनेटली एक बहुत ही रेगुलर स्ट्रक्चर है इन द साइटोप्लाज्म फिर थोड़ा बायोकेमिकल एनालिसिस किया गया उनका नेचर जानने की कोशिश की एंड देन दे फाइंड आउट की ये आर आर एन और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस हैं हेंस दे आर नोन एज राइबोजोम लेटर जॉर्ज पेलाडे को पता लगा कि इट्स ए फीचर ऑफ ऑल द सल्स इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड एंड राइबोसोम्स आर प्रेजेंट So, ribosomes are basically ribonucleoprotein. What do we mean by the ribonucleoprotein? That means they are made up of RNA and protein and they are not bounded or surrounded by any membrane. In eukaryotes, I already told you there are 80s type of ribosomes, and in prokaryotes, we have 70s type of ribosomes. 80s type of ribosome with those subunits 60s and 40s. 60S एक लार्ज सब्निट है एंड फोर्टी एय एक्टली स्मॉल है अगर मैं प्रॉक कैरिट के साथ में दोबारा से इसको कंपेयर करता हूँ एक बड़ी सब दैट इज ऑन एज फिफ्टी एय एंड छोटी सबनिट है दैट इज ऑन एज थर्टी एय तो क्या राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस होगा यस yes. तो राइबोसोम क्या एम आर एन ए को भी जाके बाइंड करेगा डेफिनेटली करेगा कौन सी सब्लिन होती हैं चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे स्मॉल बाइंड विद ए

और a a एक नया टी आर एन ए आने जा रहा है एंड देन वी हैव ए बॉन्ड फॉर्मेशन पैप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म करने की पावर एग्जैक्टली राइबोसोम के पास में है दैट दो अमाइनो एसिड राइबोसोम की प्रेजेंस में ही और राइबोसोम के कारण ही उन दो अमाइनो एसिड के बीच में पैप्टाइड बॉन्ड बनेगा दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि राइबोसोम पैप्टाइड बॉन्ड बना के जा रहा है बिटवीन द टू अमाइनो एसिड दैट मीन्स राइबोसोम लाइगेट द टू अमाइनो एसिड और मोर देन टू एसिड एंड बाय लाइगेटिंग मोनोमर ऑफ एसिड दे आर फॉर्मिंग दे आर फॉर्मिंग ए पॉलीमर ऑफ एसिड दैट इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड चेन तो इस तरीके से वो लगातार एसिड को दूसरे और प्री एग्जिस्टिंग एसिड के ऊपर लाइगेट करके जा रहे हैं वो पैप्टाइड बोन बना के जा रहे हैं और इस तरीके से एक लॉन्ग सीरीज स्टार्ट हो जाएगी लॉन्ग चेन स्टार्ट हो जाएगी एसिड की और हम इसको बोलते हैं प्रोटीन सो राइबोसोम आर यूनिवर्सल फीचर ऑफ बोथ प्रॉक कैरोटिक एज वेल एज यू कैरोटिक सेल्स दोनों ही सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस है इसलिए दोनों ही सेल के पास में राइबोसोम होंगे बिना राइबोसोम के हम प्रोटीन सिंथेसिस सोच भी नहीं सकते साइटोप्लाज में ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करे और दो अमाइनो एसिड के बीच में पैप्टाइड बॉन्ड बना दे पैप्टाइड बॉन्ड बनाने की पावर एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम के ऊपर है राइबोसोम में भी ये पावर कहां पर है लार्ज सब यूनिट के पास में ये पावर है सो लार्ज सब यूनिट कैन फॉर्म है पैप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की पावर लार्ज सब में भी बेसिकली कहाँ पर है जो आर एन ए प्रजेंट है इन द लार्ज सब्यूनिट उनके पास में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की पावर है दैट मीन्स इन प्रॉ कैरियस द ट्वेंटी थ्री एस आर आर एन ए कैन फॉर्म ए पेप्टाइड बॉन्ड एंड इन यू कैरियर्स द ट्वेंटी एस टाइप ऑफ आर आर एन ए फॉर्म ए पैप्टाइड बॉन्ड सो फिफ्टी एस के अंदर वी टू ऑफ आर आर एन ए नॉन एज ट्वेंटी थ्री एस एंड फाइव एस

सो so, इस तरीके से सिक्सटी एस प्लस फोर्टी ईर्स इजिकल टू एटी एय एस यहां पर स्वेडबर्ग यूनिट है प्रॉक कैर्ट्स में देखते हैं तो फिफ्टी प्लस थर्टी इजिकल टू सेवेंटी एस सो राइबोसोम इज ए फ्यूचर ऑफ बहुत प्रॉक कैरटिक एज वेल एज यू कैरोटिक सल्स यहां पर एस का मतलब क्या है एस का मतलब स्वेड बर्ग यूनिट सो एस स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट That is, when molecules are subjected to the centrifugations, molecules settle according to their shape, size, and density. So this is a measurement of density and size. Both 70s and 80s ribosomes are composed of the two subunits. look and the donu like subunits. One is large and second is small. So I hope you got this ribosome.